नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में अपने भारत देश में लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। अभी तक आप देख रहिएगा कि एक से एक बाहुबली लोग, पैसा वाले लोग और राजनीति के लोग अपना लोकसभा सदस्यता दोबारा पाने के लिए अपने क्षेत्र में हैं और जहां से उनको चुनाव लड़ना है नॉमिनेशन कर रहे हैं और वोट के लिए आपके पास पहुँच रहे हैं। और आप अभी तक यही देख रहे होइएगा या सोच रहे होइएगा मीडिया में या पेपर में, दो ही चीज़ दिखा रहा होगा आपको कि इन्हें वोट देना है, किन्हें प्रधानमंत्री चुनना है, किन्हें आपको संसद चुनना है। क्या आपके दिमाग में ऐसा कभी ख्याल आया कि भारत के क्या कुछ ही लोग लोकसभा सदस्य के सदस्य बन सकते हैं, कुछ ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं क्या? यानी सब लोग सकते हैं तो फिर आपको ये अधिकार कहाँ से मिल रहा है? ये अधिकार सबको है, आज जान लीजिए। ये अधिकार भारत के सब नागरिक, इसको हम लोग दो जगह देखते हैं, एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। इस दोनों में भारतीय नागरिक को योग्यता निर्धारित की गई है, जो लोग इसका योग्य होंगे वो संसदीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें योग्यता क्या दिया गया है ये जान लीजिए। इसमें पहली बार कहा गया है, पहली कि जो नागरिक इस लोकसभा चुनाव या संसदीय या विधानसभा जो भी हो इसमें जो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वो भारत के नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा है कि उनका कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तीसरा, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में आप ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक किसी भी पद पे कार्यरत नहीं होना चाहिए। और एक बात है कि हाँ, आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। और एक चीज़, आपको भारत में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ आपका है तो आप भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं और संसद बन सकते हैं। यही हमारी लोकतांत्रिक देश की सुंदरता है और अपने संविधान द्वारा जो लोगों को दिया गया अधिकार उसकी सबसे खूबसूरत और सबसे प्रभावपूर्ण कुछ है तो यही है। मेरा मानना है कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी हुई होगी और इस जानकारी को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में भेजिए और अपने जो भी ग्रुप है आपका उस ग्रुप में डालिए, शेयर कीजिए। और हम, मेरा जो उद्देश्य है अपने संविधान और देश के कानून से आपको अवतरित कराते रहना, जो घटनाएं होगी मैं करते रहूंगा। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।